हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि कैसे एडोबी के जो लेटेस्ट अपडेट हैं आप लोग कैसे फ्री में कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हो आप लोग फ्री में अपडेट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं आज हम लोगों के भी इस तो आज की इस वीडियो में हम लोग आज ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने एक महीने स्किप कर दिया क्योंकि हमारा एग्जाम चला था दोस्तों, तो इसके लिए मैंने एक महीने के लिए यूट्यूब स्किप कर दिया। अब मैं वापस आ गया हूँ तो फिर से वीडियो बनेगी। तो ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे यूट्यूब पे किसी ने कमेंट किया था कि कैसे हमें म्यूज़ को फ्री अपडेट कैसे करें लेटेस्ट वर्जन में। तो ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है, आप लोग के लिए भी है दोस्तों। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एडोबी के कोई भी प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे एडोबी म्यूज़ डाउनलोड करते हैं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि एडोबी म्यूज़ या फिर एडोबी के कोई भी एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर क्या ज़रूरी है। तो उसके अंदर क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसी फाइल डाउनलोड होगी, भले ही आपकी जिप में ना हो, मेरी जिप में है क्योंकि मैंने एक्सटेंशन से डाउनलोड किया था। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करना है कि ये जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, मैं नाम नहीं ले सकता इसका क्योंकि यूट्यूब के कमेटी गाइडलाइंस के खिलाफ है ये, तो मैं नाम नहीं ले सकता इसका। बट आप लोगों को चेक करना है कि ये उस फाइल में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो उसके अंदर ये फाइल होनी चाहिए, सिंपल है, ये फाइल होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, स्टेप टू पे भरना है। स्टेप टू करना क्या है, आप लोगों को एडोबी के वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट है एडोबी का, आपको क्या करना है, यहाँ जो डिज़ाइन है इस पर क्लिक करना है। व्यू ऑल प्रोडक्ट इस पर क्लिक करना है। व्यू ऑल प्रोडक्ट क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से जो विंडो खुलेगी इस पर आपको क्रिएटिव क्लाउड ये डाउनलोड कर लेना है। इसके डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड करने समय आपको दोस्तों इस पर एक आईडी बनानी पड़ेगी, इस पर आपको साइनअप करना पड़ेगा। तो आप लोग कर ले अपनी ईमेल आईडी से, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसे आप लोग इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आपको ऐसी विंडो खुलेगी, ठीक है। इसमें मैं अभी प्रीमियम प्रो अपडेट कर रहा हूँ बट सब कुछ सेम है दोस्तों। और आपको जो यहाँ एक्सपायर दिखाई दे रहा है उससे कोई डरने जरूरत नहीं है दोस्तों, इससे कुछ नहीं होता है। आप लोगों को एक्सपायर दिखा रहा हो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके लिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ करना क्या है। सिंपल आप क्या कीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे कि मेरा ये इलस्ट्रेटर में अपडेट कर रहा हूँ, अभी मैं प्रीमियम प्रो कर रहा हूँ, सिंपली इसी तरह है। इसे मैंने अपडेट दबाया, बस ये अपडेट होने के लिए आ गया। जी हाँ, फुल अपडेट होने के बाद क्या करना है आप लोगों को, जैसे कि मैं प्रीमियम प्रो अपडेट कर रहा हूँ तो मैं प्रीमियम प्रो की फाइल यहाँ से खोलूँगा, ठीक है। आपको एक बार खोलना है, आप लोगों को दिखाएगा वहाँ पे कि 7 डेज एक्सपायर हो चुका है। तो फिर भी आपको दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली वो विंडो क्लोज करनी है। उसके बाद जो आपकी ये जो फाइल थी, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये जो फाइल है इसे आपको कॉपी करना है। जो आप लोग करते हैं आप लोग जानते होंगे, सिंपली जाना है प्रोग्राम फाइल पर, जाना है एडोबी पे, जाना है जैसे कि मैंने प्रीमियम प्रो का, जैसे कि अभी जो मैंने कॉपी किया वो म्यूज़ का है, ठीक है। अगर आप प्रीमियम प्रो कर रहे हैं तो प्रीमियम प्रो की वो फाइल होनी चाहिए। तो आप लोग प्रीमियम प्रो में जाके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर आप लोग पेस्ट करते हैं तो यहाँ रिप्लेस करने की ऑप्शन आएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो वो फाइल है वो पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट होगी, तो आपको रिप्लेस करने की फाइल आएगी, रिप्लेस करने की ऑप्शन आएगी, तो आपको सिंपली रिप्लेस करना है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, रिप्लेस करना है। अगर आप लोगों ने रिप्लेस नहीं किया तो जो न्यू अपडेट है वो आपकी नहीं होगी, आपको प्रीवियस वर्जन ही दिखाई देगा, वो भी एक्सपायर हो चुका होगा, तो इसलिए आपको रिप्लेस करनी है, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद आपको फिर से ओपन कीजिए, ठडान, और आपकी विंडो, आपकी जो एडोबी की एप्लीकेशन है वो अपडेट हो चुकी होगी। तो इस तरीके से एडोबी की आप कोई भी एप्लीकेशन अपडेट कर सकते हैं फ्री में दोस्तों। ये ट्रिक बहुत लोगों को पता नहीं है, यूट्यूब पर भी आपको ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 40 लाइक्स, बनता है यार, प्लीज़ इस पर तो बनता है, प्लीज़ ज़रूर करें लाइक, सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस के लिए। ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे हैं जिस पे आपको ट्रिक्स मिल जाएगी। तब तक के लिए कमेंट कीजिए, आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को क्या चाहिए। तो आप लोगों को अगर पता चलेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और हफ्ते में 4-5 वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद XOAD। पीस, जय हिंद।